जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स में आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एनुअल एग्जाम से रिलेटेड हमारे MCQs, यानी कि सेक्शन ए, जिसमें अब हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 और 2 से रिलेटेड MCQs। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 के MCQs से। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जस्ट ऑप्शन वाइज हमारे पास चार ऑप्शन है, कार्ल पियर्सन, गाल्टन, फिशर एंड जे नेमेन। ठीक है, अब इसमें नेचुरली याद रखना है बच्चों, एफ फॉर फिशर, एफ फॉर फादर, यानी हमारा जो आंसर है फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो है फिशर जी। तो ये है पहला ऑब्जेक्टिव हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने हैं हमें बच्चों। देख लेते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव अब, जिसमें पूछा गया है, हु यूज्ड द जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक किसने यूज किया? ऑप्शन ए इज जॉन ग्रॉट, विलियम पैटी, देन गॉटफ्रीड एकेनवॉल एंड लास्ट इज गॉस। तो बच्चों इन चारों में नेचुरली हमें वैसे पता ही है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भी है ये, गॉटफ्रीड एकेनवॉल विल बी द आंसर। तो गॉटफ्रीड एकेनवॉल जी है, इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था वर्ड स्टेटिस्टिक। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स। बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं चैप्टर 1-2 में, ऑलमोस्ट 8-8 क्वेश्चंस लिए, उसमें से ही ज्यादातर एग्जाम्स में दिखते हैं। फिर भी बुक के जो भी सेक्शन ए भी है उसे भी आपको प्रॉपरली तैयार करके जाना है, क्योंकि कुछ स्कूल में अलग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जानबूझ के। तो बच्चों चार ऑप्शन है यहाँ पे भी, कार्ल पियर्सन, लाप्लास, पीसी महालनोबिस एंड गॉसेट, जिसमें कार्ल पियर्सन जी है वो मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स के प्रणेता है या फाउंडर है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बताया गया है, हु वॉज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इनिशियल रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी अमॉन्ग द फॉलोइंग। प्रोबेबिलिटी थियरी के लिए किसने ज्यादा योगदान दिया हुआ है? तो फर्स्ट इज लाप्लास, सेकेंड ऑप्शन बी इज जॉन ग्रॉट, थर्ड इज फिशर एंड डी फोर्थ इज गॉस। तो बच्चों इन चारों में नेचुरली हमें पता ही है कि लाप्लास जी ने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हमें योगदान ज्यादा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स इज ब्लैंक डेटा। अब बच्चों इकोनॉमिक टाइम्स यानी न्यूज़पेपर की बात है, न्यूज़पेपर में डेटा कलेक्ट करते हैं रिपोर्टर्स, फिर एडिटर उसको एडिट करके प्रिंट करते हैं, यानी वो प्राइमरी डेटा जो है वो रिपोर्टर के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं फिर आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, ए प्राइमरी डेटा, बी सेकेंडरी डेटा, थ्री जो थर्ड ऑप्शन है सी इकोनॉमी डेटा एंड डी बोथ ए एंड बी। अब बच्चों यहाँ पे हमें नेचुरली मैं डिस्कस कर ही रहा था कि रिपोर्टर्स के लिए प्राइमरी डेटा है, हमारे लिए वो होगा सेकेंडरी, तो ऑप्शन आएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के लिए क्या सही है, वो चार ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट शुड नेवर बी यूज्ड, क्या ऐसा होता है कि हम यूज ही नहीं करते, तो ऑप्शन ए ऐसा दिया है। सेकेंड यूज आफ्टर केयरफुल वेरिफिकेशन, केयरफुली हम वेरीफाई करके यूज करते हैं। सी इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक वाइल यूजिंग इट, हम चेक ही नहीं करते यूज करते वक्त, या सेकेंडरी डेटा इज प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो चौथा तो ऑप्शन वैसे ही निकल जाएगा कि सेकेंडरी और प्राइमरी अलग अलग है, एक तो है नहीं, एंड अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो हम जब भी डेटा यूज करते हैं सेकेंडरी, तब हम वेरीफाई करते हैं कि वो डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, किसने कलेक्ट किया, उसके बाद में ही हम उसको यूज करते हैं। तो आंसर होगा हमारा बी, यानी कि यूज आफ्टर केयरफुल वेरिफिकेशन। सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों, चैप्टर 1 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, विच मेथड्स विल बी कॉस्टली व्हेन द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर मोर एंड स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। यानी जब भी हमें डेटा कलेक्शन करना है, तो अगर आपको रिस्पोंडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है और वो अगर लार्ज नंबर में हो यानी वाइड स्प्रेड हो, तो कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है उसमें ऑप्शंस है, क्वेश्चनेयर बाय पोस्ट, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरी एंड बाय टेलीफोन। तो बच्चों इसमें आप डायरेक्ट इंक्वायरी करने जाते हैं, अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स है 25-50 है तो हम कर सकते हैं, अगर 500-1000 है तो डायरेक्ट इंक्वायरी जो है वो बहुत ही कॉस्टली होती है, टाइम भी ज्यादा जाता है, सो इस वजह से यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं, एट्थ क्वेश्चन, चैप्टर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे,
इन विच ईयर द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड, जिसे ISI भी कहा जाता है, ठीक है। पीसी महालनोबिस ने ISI की जो है वो नींव रखी थी। तो कब रखी थी ये? तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इज 1941, सेकंड इज 1931, थर्ड इज 1950 एंड फोर्थ इज 1930। एंड द करेक्ट आंसर इज 1931। बच्चों ये 8 ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी एक्सरसाइज में जो है ऐसे ईयर वाइज आपको पूछ सकते हैं, वो पूरे पार्ट को रेडी करना है। क्लास में तो मैंने सब पूरा डिटेल में चार्ट भी बनवाया हुआ है, आप वीडियो लेक्चर भी ऑब्जर्व कर सकते हो हमारे जो भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। तो सभी चैप्टर्स के मैंने ओवरव्यू में एग्जाम्पल्स और थियरी का पूरा पार्ट इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं आगे हम चैप्टर नंबर 2 को। तो बच्चों अब देख लेते हैं हम चैप्टर 2 से रिलेटेड 8 MCQs, यानी टोटल 16 MCQ है आज के सेशन में। तो पहला MCQ चैप्टर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। बच्चों डिस्क्रीट किसे कहा जाता है? तो जिसकी वैल्यू या तो फाइनाइट हो या तो काउंटेबल इनफाइनाइट हो। पर्टिकुलरली नॉन इंटीग्रल वैल्यू इसमें इंक्लूड हम नहीं करते, इंटीजर्स हो उसे इंक्लूड करते हैं डिस्क्रीट में, बाकी जो है उन्हें कंटिन्यूअस में इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हाइट ऑफ अ पर्सन, ऑप्शन बी वेट ऑफ अ कॉमोडिटी, ऑप्शन सी एरिया ऑफ अ ग्राउंड, ऑप्शन डी नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। अब बच्चों हाइट जो है वो नेचुरली इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कोई भी हो सकती है, वेट भी वैसे हो सकता है, एरिया भी पॉइंट्स में आ सकता है नॉन इंटीग्रल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वही खाली एक ऐसा है जो इंटीजर ही होगा, 1, 2, 3, 5 चिल्ड्रन इतने ही होते हैं, फाइनाइट ही होते हैं। सो हमारा आंसर होगा डी। सेकंड देख लेते हैं अब क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल अ टेबल दैट शोज डेजिग्नेशन जेंडर मैरिटल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। बच्चों यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक से ज्यादा है, ठीक है। एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो तो वैसे टेबुलेशन को, वैसे क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं वो हमें पता ही है, फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं फिर आंसर को ऑब्जर्व करेंगे। पहला ऑप्शन है सिंपल क्लासिफिकेशन, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल टेबल भी नहीं हो सकता। सी मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन विल बी द आंसर, चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन हमारा आंसर होगा। सो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि रेंज ऑफ एन अनग्रुप डेटा इज 55, रेंज दी गई है बच्चों हमें, एंड एज वी नो दैट कि अगर आपको रेंज दी जाती है तो रेंज का नोटेशन है हमारा आर, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आर है यहाँ पे रेंज 55 दी गई है, ठीक है। एंड उन्होंने हमें दिया हुआ इट इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस को हम के कहते हैं, के इज ऑल्सो गिवन, देन वॉट विल बी द क्लास लेंथ। बच्चों क्लास लेंथ की फॉर्मूला हमें पता है, सी इज इक्वल टू होता है आर डिवाइडेड बाय के, यानी अगर आर डिवाइड बाय के करते हो आप 55 डिवाइड बाय 6 कैलकुलेटर में, तो दैट विल बी 9.16666, यानी 1667 या अप्रोक्सीमेटली 9.17 कह सकते हो। चार ऑप्शन दिए बच्चों, 10 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9.17 एंड 10.17, बट याद रखना है कभी भी हम क्लास लेंथ ऐसी 9.17 एंड 10.17 कभी भी नहीं लेते, अप्रोक्सीमेटली कोई इंटीजर लिया जाता है, यानी यहाँ पे हम क्लास लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 10, जो कि आप एग्जाम्पल्स में ऑब्जर्व कर ही चुके हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, यानी कि 10। तो अब बच्चों देख लेते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द सब डेटा ऑफ द क्लासिफाइड डेटा। बच्चों यहाँ पे खास ध्यान रखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कंपेयरिंग, कंपेरिजन का वर्ड ना दिया गया हो, टू रिप्रेजेंट कहा हो, तो आंसर अलग होता है। बुक में ये दो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं MCQs, इसको समझाने के बाद मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। ऑप्शंस है ए पिक्टोग्राम, बी पाई चार्ट, सी बार डायग्राम एंड डी डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कंपैरिजन बोला है, जब भी कंपैरिजन बोला हो तो हम यूज करते हैं पाई चार्ट, अगर ऐसा बोला होता यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द सब डेटा तब हम यूज करते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ डायग्राम इट हैज नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज, आई मीन ड्रॉ किया हुआ हो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, लैंग्वेज की या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ड्रॉइंग के ऊपर से समझ में आ जाता है। वैसे डायग्राम सभी ऐसे होते हैं, डायग्राम के ऊपर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
बट कौन सा डायग्राम ऐसा है जो हमें 100% ड्राइंग के ऊपर से यानी डायग्राम के ऊपर से ही हेल्प करता है? तो ऑप्शन है फर्स्ट ए पिक्टोग्राम, पाई चार्ट, बार डायग्राम एंड सर्कल डायग्राम। तो बच्चों हमें पता ही है पिक्चर यानी कि पिक्टोग्राम जो है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सीधा हम समझ जाते हैं जो वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है वो। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए यानी कि पिक्टोग्राम। अब सिक्स क्वेश्चन में जाते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिलीज इज ब्लैंक कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑप्शन इज नंबर वन क्वालिटेटिव, बी क्वांटिटेटिव, सी वेरिएबल एंड डी इकोनॉमिक। नेचुरली इकोनॉमिक स्टेटस है तो वो इकोनॉमिक तो कैरेक्टरिस्टिक होती नहीं, यानी अल्टीमेटली कहना हो तो बच्चों इट इज क्वालिटेटिव कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आएगा ए। सेवेंथ क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमें क्लासेस यहाँ पे दिए गए हैं। इंक्लूसिव क्लासेस फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 to 19.5, 20 to 29.5, 30 to 39.5। व्हाट आर द एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट्स फॉर द सेकेंड क्लास? बच्चों अब यहाँ पे सेकेंड क्लास कौन सा है? तो सेकेंड क्लास यानी 20 to 29.5। अब जब भी ऐसे क्लासेस हो और हमें आपको कोई भी एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट्स फाइंड करनी है यानी कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला यूज करनी है यानी 20 यानी सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट के लिए क्या करना है, तो अपर लिमिट ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइड बाय 2। अगर वो आप करोगे तो 19.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो दैट विल बी 19.75। तो मैं पूरी फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा यहाँ पे, 19.75 मिलेगी लोअर लिमिट एक्सक्लूसिव क्लास के लिए अगर हम कहते हैं तो। सिमिलरली 29.5 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो दैट विल बी 29.75। तो वैसे ऑप्शन तो देने ही रह गए, ऑप्शन के बिना ही हमने प्रूव कर दिया, तो नेचुरली अब आपको आंसर तो पता चल ही गया है, सो दैट विल बी ऑप्शन बी। तो कैलकुलेट करते वक्त खास ध्यान रखना है एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट वो फाइंड कर लेना है और फिर आप आराम से आंसर्स को पा सकते हो। तो लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं बच्चों चैप्टर 2 का। विच टाइप ऑफ द क्लासेस आर यानी 10 to 14.9, 15 to 19.9। वैसे अब ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल हो चुका है, अभी आगे जो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास अपर लिमिट ऑफ प्रिसीडिंग क्लास जो है वो सेम नहीं है। अगर अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास अगर सेम है तो उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव क्लास। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ए एक्सक्लूसिव, यहाँ पे तो नेचुरली 14.9 है पहले क्लास की अपर लिमिट, दूसरे क्लास की लोअर लिमिट 15 है, दे आर नॉट सेम, तो नेचुरली एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा। इंक्लूसिव कंटिन्यूअस एंड बाउंड्री पॉइंट जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें नेचुरली हम कह सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये कुछ सिलेक्ट किए गए एमसीक्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सेशन में बच्चों मैं चैप्टर 3 और 4 के एमसीक्यूज लेके आऊंगा और बाकी के एमसीक्यूज बच्चों छोड़ने नहीं है, बुक में आपको जो भी दिए हुए वो भी सभी तैयार करना, खाली ये 8, 8, 16 ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड रहना नहीं है, तैयारी हमें अच्छे से करनी है तो ही हम बेस्ट रिजल्ट ला पाएंगे। तो बच्चों यहां तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।